The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Stress. Kya hota hai stress? What is stress? And stress aapke physical body pe, aapke mind pe, aapke heart pe kya effect dalta hai? See, stress is basically the way your mind and body, they react to a threat or a challenge, right? Agar aapke mind pe, aapki body pe koi bhi challenge aata hai, koi physical, mental challenge, jo even a simple thing, jaise ek rota bachcha, crying child, can be a very big stress to somebody, basically, right? Aapke liye stress alag ho sakta hai aur जब आप डेंजर में हो, जब आप एक्चुअली किसी फिजिकल डेंजर में हो, तब भी आपको स्ट्रेस फील होगा, राइट? जैसे अगर कोई आपको लूट रहा है या आप किसी कार क्रैश में हो, ऑब्वियसली यू आर स्ट्रेस, एवरीबॉडी विल बी स्ट्रेस. लेकिन कुछ लोग कुछ सिचुएशंस में, जैसे रोते बच्चे के लिए, कुछ लोग स्ट्रेस में नहीं होंगे. देन इवन सम पॉजिटिव थिंग्स लाइक गेटिंग मैरिड, आपकी शादी होने लगी है लेकिन आप हो बहुत ज़ोरदार स्ट्रेस में. जी हाँ, ये स्ट्रेसफुल लाइफ होती है और स्ट्रेस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ. सब लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, एवरीबॉडी स्ट्रेस्ड, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों. बट जब एक के ऊपर दूसरा स्ट्रेस एड अप होता है, इट कैन अफेक्ट योर मेंटल एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ. बहुत ज़्यादा, टू मच अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज एक्चुअली बैड फॉर योर हेल्थ एज वेल एज स्पेशली फॉर योर हार्ट. जी हाँ, हार्ट के लिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बेकार. होता क्या है, वॉट हैपन्स, योर बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एट मैनी लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स हैं. पहले क्या होता है, इट रिलीजेज सम स्ट्रेस हॉर्मोन्स. जी हाँ, ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स एक्चुअली मेक यू ब्रीद फास्ट. आपकी सांसें तेज चलने लगती है, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ हो जाती है, आपका माइंड दौड़ने लगता है. एंड ऑल ऑफ दिस पुट्स यू इंटू द नेक्स्ट गियर टू डील विद द इमीजिएट थ्रेट. जो भी कहे, आपका फाइट और फ्लाइट मोड पे, या तो फाइट करना है या भाग जाना, फ्लाइट मोड पे आप चले जाते हो. ये स्ट्रेस में, हर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है. इवन बच्चा रोता हुआ उसको छोड़ के भागने का मन भी करता है कई लोगों का, है कि नहीं? सो दैट इज वन इशू देयर. सो दिस हैपन्स, राइट? एंड द प्रॉब्लम इज दैट योर बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस द सेम वे टू ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो आप डेंजर में हो या ना हो, राइट? आपकी बॉडी सेम रिस्पॉन्स देगी, चाहे वो बच्चा रो रहा है या कार क्रैश हो रहा है. यू आर हैविंग द सेम थिंग, बीपी बढ़ रहा है, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स, स्ट्रेस हॉर्मोन्स, कॉर्टिसोल्स एंड ऑल, बहुत सारे सिक्रीट हो रहे, एवरीथिंग इज हैपनिंग टू यू, राइट? ओवर टाइम क्या होता है, अगर आपका बच्चा स्ट्रेस में है, बच्चा बीमार है, बच्चा रोता है बहुत ज़्यादा, या इवन चलो एग्ज़ाम है, या आपके जॉब है, जॉब में बॉस चिल्लाता है, आपसे काम नहीं हो रहा, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज स्ट्रेस रिलेटेड रिएक्शंस कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स. दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम. एवरीबॉडी इज एक्चुअली अफेक्टेड बाय दिस, एवरी सिंगल पर्सन. होगा क्या क्या, क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं? आपका स्टमक अपसेट हो सकता है. सुना है ना, बच्चों का एग्जाम के टाइम पे पेट खराब होता है, जे है इसका रीजन. पेट खराब हो सकता है, फोकस खराब हो सकता है, इनएबिलिटी टू फोकस ऑन द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज अ बिग थिंग. ट्रबल स्लीपिंग, नींद में प्रॉब्लम आ सकती है, हेडेक हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकता है, आपको मूड स्विंग हो सकता है, ये सब हो सकता है केवल केवल फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स वाले स्ट्रेस से. हार्ट पे क्या होगा भैया, आपकी, आपके बहुत सारे, देखिए क्या होगा, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, राइट, यू आर मोर लाइकली टू डू थिंग्स दैट आर बैड फॉर योर हार्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू कैन स्मोक, यू कैन ड्रिंक हैविली, यू कैन ईट फूड्स दैट आर हाई इन सॉल्ट, शुगर और फैट. Everything, these are all bad for your heart, right? उल्टा सीधा खा लोगे, उल्टा सीधा स्मोक कर लोगे, उल्टा सीधा हाई सॉल्ट्स वाली चीज़ें खा लोगे, है ना? बहुत ज़्यादा कई लोगों को स्ट्रेस से, ऑब्वियसली इवन कुछ नहीं भी किया ऐसा तो भी
स्ट्रेस अपने आप में आपका बीपी बढ़ाएगा, आपका हार्ट रेट बढ़ाएगा, आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ाएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ाएगा स्ट्रेस, वो कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज करेगा बैड राइट। एक्सट्रीम स्ट्रेस कैन एक्चुअली टेक योर हार्ट बीट आउट ऑफ द रिदम एज वेल, रिदम प्रॉब्लम भी हो सकती है, सो स्ट्रेस इज डेंजरस। और कौन कौन से स्ट्रेस डेंजरस होते हैं बॉडी के लिए, देखिए सम कुछ सोर्सेज हैं स्ट्रेस के जो बहुत जल्दी आते हैं और कुछ धीरे 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 हर दिन एवरीडे स्लोली स्लोली आते हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो कुछ प्रकार के स्ट्रेस से, कुछ प्रकार के स्ट्रेस से नहीं कर सकते। आप कार चलते चलते किसी ने ठोक दिया तो ठोक दिया, उसमें क्या बचाओगे खुद को, वो तो आपने कुछ नहीं किया राइट। बट कुछ प्रकार के स्ट्रेस हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं और कई सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं कि आपको स्ट्रेस होने के बाद कैसे फील होगा और कितने देर तक होगा, इसको समझाता है। लाइक से के अगर मान लीजिए कुछ प्रकार के स्ट्रेस हैं जो आपके लिए बहुत ही खराब है। नंबर वन क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस मतलब डेली आपको कोई ना कोई तंग कर रहा है, या तो आपका बॉस खराब है, वाइफ खराब है, बच्चा बहुत रोता है या बच्चा बीमार है, वो भी एक डेली स्ट्रेस हो जाता है। ऐसे कोई ना कोई डेली स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस लंबे समय खराब है आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा। हेल्पलेसनेस, कभी कभी हमें लगता है लॉन्ग टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस कुछ नहीं कर पा रहे, किसी चेंज करने वाली चीज़ को चेंज नहीं कर पा रहे, बिग प्रॉब्लम। एंगर, कई लोगों को लगातार हर वक्त गुस्सा आता रहता है, दिस इज अगेन अ बिग हायर रिस्क टू योर हार्ट, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा। फिर एक्यूट स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस मतलब रेयरली एक्सट्रीमली बैड न्यूज़ सुनने को मिल गई, कोई ज़्यादा आपके हार्ट के ऊपर एकदम से ज़्यादा बड़ा लोड आ सकता है, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जिसे कहते हैं, भाई कोई छोड़ के चले गया, चले गई, किसी ने कोई धोखा दिया राइट, समथिंग लाइक दिस कैन एक्चुअली लीड टू हार्ट अटैक ऑल्सो। जी हाँ, अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है, इतने सारे स्ट्रेस चल रही, एक हथौड़ा पड़ा, लास्ट का लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा टड़क, सो दिस कैन हैपन राइट। सो दीज आर एक्यूट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस, एंगर, लोनलीनेस, हेल्पलेसनेस और क्रोनिक स्ट्रेस, ये अच्छे नहीं है आपके लिए, बहुत खतरनाक है राइट। अगर आपको समझ आ रही है, बात अच्छी लग रही है, तो लाइक का बटन दबा दीजिए राइट। और अगर आपको ऑलरेडी कोई हार्ट डिजीज है तो वो अपने आप में अपने बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस है, हार्ट डिजीज स्ट्रेस प्लस और ऊपर से ये सारे स्ट्रेस आपकी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक के चांसेस और बढ़ा देंगे। और ऑब्वियसली जिसको हार्ट डिजीज़ है उसको अगर डिप्रेशन हो जाएगा, उसको इस तरह के कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाएगी, दैट इज़ वेरी बैड फॉर हिज हार्ट, तो ये आपको समझना पड़ेगा राइट। सो क्या करें, व्हाट कैन यू डू, आपको सबसे ज़रूरी चीज़ समझनी है कि स्ट्रेस को अवॉइड तो नहीं कर सकते, बॉडी में लाइफ में स्ट्रेस तो आएंगे ही, सो यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, you have to find healthy ways to deal with the stress and then improve your mood, that is very important। आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसी चीज़ जिससे आपका मूड अच्छा हो, ढूंढनी पड़ेगी ऐसी चीज़, ऐसे लोग, ऐसा बिहेवियर जिनसे आपका मूड ख़राब हो रहा है, तो आपको वो बिहेवियर से दूर रहना है, गुस्से से दूर रहना है, अकेलेपन से दूर रहना है, अकेले कमरे में बंद नहीं रहना है, लोगों से जो जिनसे आपको नेगेटिव फीलिंग आती है, जिस चीज़ से, जिस न्यूज़ से, जिस टीवी के प्रोग्राम से, उससे दूर रहना है, पॉजिटिव थिंग्स के पीछे जाना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग बंद करनी पड़ेगी, उसको अवॉइड करना पड़ेगा, अलग अलग तरह की चीज़ें ट्राई करनी होगी रिलैक्स होने के लिए। इसमें आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों का बहुत बड़ा रोल है, वो हेल्प करेंगे तो ही ये हो सकेगा। आपको क्या करना है, आप अपने लेवल पे योगा या मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिलैक्सेशन की नंबर वन टेक्निक है योगा एंड मेडिटेशन। आपको अपने लाइफ में घर से बाहर निकलना, आउटडोर्स नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट रिलैक्सेशन टेक्निक, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, ये दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स ऑफ ऑल टाइम, कोई गोली भी इसके सामने नहीं टिकती है, गोली आपको सुला देगी, उससे स्ट्रेस नहीं खत्म हो जाएगा, टेम्पररीली आप भूल जाओगे बट नेक्स्ट डे इट कम्स बैक, है स्ट्रेस तो है लेकिन एक्सरसाइज विल मेक योर माइंड फोकस, आपकी माइंड फोकस कर पाएगा, योगा मेडिटेशन आपका माइंड फोकस कर पाएगा कि मैं स्ट्रेस को कैसे खत्म करूं,
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन यू हैव टू प्रैक्टिस सिटिंग क्वाइटली एंड फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ. एक जगह बैठ के अपनी सांस पे ध्यान दीजिए 10 मिनट के लिए हर रोज. जी हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेजर इफेक्ट डालता है आपके बॉडी, आपके लाइफ में स्ट्रेस के लिए. अगर आपको स्ट्रेस है, एक जगह बैठ के 10 मिनट डीपली ब्रीदिंग करिए, सांस पे कॉन्सेंट्रेट करिए बस. इसके अलावा फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए, एक मूवी देखने जाइए, हास्य कोई भी, हंसने वाली, लाफ्टर वाली कोई भी चीज़, वीडियोस देखिए, सॉन्ग सुनिए, मेकिंग टाइम विद आप हर रोज़ अपने छोटे छोटे जो भी इस चीज़ों के लिए टाइम निकालिए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो इन सब से आपका स्ट्रेस कम होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपके बॉडी पर इफेक्ट हो ही रहा है भाई साहब. राइट, सो इफ यू आर हैविंग ट्रबल, अगर आप नहीं कर पा रहे हो इन सब चीज़ों को, खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, कोई क्लास, कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हेल्प की ज़रूरत है. ये हेल्प आपका कोई फ्रेंड या कोई काउंसलर, कोई साइकोलॉजिस्ट कर सकता है. साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब आप पागल नहीं हो, साइकियाट्रिस्ट अलग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं. राइट, सो ऐसी चीज़ों के लिए जाने के लिए डरिए मत. और यहाँ तक कि ये सारी प्रॉब्लम्स बड़ों में और बच्चों में भी हो सकती है, तो इन सब से आप सबको बिल्कुल नॉलेज होना सबसे ज़रूरी है. राइट, सो स्ट्रेस कैन बी डिफीटेड ओनली इफ़ यू वॉन्ट टू एंड यू मेक दी एफर्ट्स.